तो तू है वो गोपाल नगर में मैजिक कर रहा है। मेरे को सब समझ में आ रहा है। उस दिन जब मम्मी ने करेले की सब्जी बनाई थी तो वो तेरी पेचीदी जल्दी कैसे गायब हुई? हाँ दीदी, और वो फल वाले अंकल की टोकरी से फल विवान ने गायब किए थे शायद। और उस दिन अपनी मम्मी का सर भी गायब कर दिया था इसने। ये तो हद ही हो गई विवान, ये तो सबको बताने पड़ेगा। मम्मी मम्मी मम्मी, अरे रुको, चिल्लाओ मत प्लीज। अगर सबको पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज मत चिल्लाओ, रुक जाओ प्लीज। लेकिन तुम लोगों को कैसे पता कि मैंने गलती से मम्मी का सर गायब कर दिया था? तुम लोग तो वहां थे ही नहीं। नमस्ते भैया। अरे विवान, इतना जल्दी पकड़ लिया तुमने मुझे। वैसे बात तो सही है तुम्हारी, इन लोगों को कैसे पता चला कि तुमने जादू से मम्मी का सिर गायब कर दिया था? ये लोग तो मतलब ये लोग असली नहीं थे, नकली थे, आपने जादू किया था। मुझे लगा बालवीर का राज खुल गया, मेरी तो वाट लग गई थी। दरअसल हम देखना चाहते थे कि अगर भारत नगर के लोगों को तुम्हारी जादुई शक्तियों के बारे में पता चलता है तो तुम क्या करते हो। आखिर बालवीर का राज रखना जरूरी है। यार आप लोग तो सुबह से जमकर मेरी फिरकी लेने में लगे हो, कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट। पाटर, अरे पाटर, आप लोग इतना क्यों क्लास ले रहे हो मेरी? हाँ भूलना मत, मैं भी बालवीर हूँ। अभी ये टेस्ट वेस्ट बहुत हो गया, वरना मैं शेर सर को कंप्लेन कर दूंगा। हाँ क्या हुआ पाटर, आप थोड़ा परेशान दिख रहे हो, डर गए? अच्छा अच्छा, वैसे भी मैं तो मजाक कर रहा था, मैं शेर सर को कोई कंप्लेन नहीं करूंगा। डील, वो बात नहीं है विवान, मैं दरअसल भारत नगर को लेकर परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखें हमेशा खुली रखो। लेकिन बात क्या है पाटर? कोई टेंशन वाली बात नहीं है विवान, मैं तो बस तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम भारत नगर पर नजर रखना, अपनी आंखें हमेशा खुली रखना। अरे पाटर, ये तो चीटिंग है ना, सब सच सच बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम दे देंगे। विवान, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर विश्वास करो, ठीक है? मस्ती परी, मैं चाहता हूँ कि आप सभी परियों को बता दे कि वो भारत नगर पर 2400 घंटे नजर रखे, हर पल हर समय। भैया मम्मी पापा नहीं मिल रहे। अंकल सुनिए, आपने कहीं हमारे मम्मी पापा को देखा है क्या? नहीं। चलिए आंटी जी। आंटी, हमारे मम्मी पापा घूम गए, आपने उन्हें देखा है क्या? चिंटी, मम्मी पापा फोन भी नहीं उठा रहे, कहाँ गए? चिंटी, मम्मी पापा कहाँ चले गए? सुबह से गायब है दोनों लोग, चल। चिंटू चिंटी के मम्मी पापा कहाँ गए? मुझे लगता है हमें बालवीर को जल्दी से बुलाना चाहिए। एक मिनट वायु करिए, विवान ने गलती से उनकी गाड़ी को गायब कर दिया था, हमें एक बार विवान से बात कर लेनी चाहिए। अरे गिरपड़े जी नमस्कार। राजी, चलिए बाहर आइए। अरे हम बाहर नहीं आते, आप अंदर आइए, आपको भी घर तक छोड़ देंगे। अरे वो सब बाद में, पहले कार के पेपर और लाइसेंस दिखाओ। अरे गिरपड़े भैया जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप, हम लोग तो आप ही के मोहल्ले में रहते हैं ना। लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के बीच में मोहल्ला वोल्ला नहीं आता भाभी जी। वैसे मैं अपनी मूछें शैम्पू से धोना पसंद करता हूँ, ये दोनों बातें अलग है। चलिए चलिए, पेपर दिखाइए, लाइसेंस दिखाइए। अरे ठीक है, दिखा देते हैं, हमारे पास सारे के सारे पेपर हैं। हाँ। ये देखिए। चलिए चलिए बाहर आइए, लवकर लवकर वेलना मजा कड़े। अरे गिरपड़े जी, लाइसेंस लाइसेंस दिखाओ, सारे पेपर हैं हमारे पास, ये देखिए। हाँ है, वो तो दिख रहा है, देखते हैं। पीयूसी लाइसेंस, हाँ।
अरे ये क्या मिश्रा जी, लाइसेंस तो दो दिन पहले ही एक्सपायर हो चुका है। तुम्हें गाड़ी कैसे चलाता है? देखो देखो भाभी जी, देखिए ये कैसे कैसे क्या भाभी जी आप भी। हेलो, ये भारत नगर पुलिस स्टेशन के पास 10 लोगों का फोर्स भेजो जल्दी। अरे अरे गिर पड़े भैया जी, इतनी सी बात के लिए आप पूरा के पूरा फौज क्यों बुला रहे हैं? अरे गिरपड़े जी, छोटा सा तो मामला है, मैं रिन्यूअल करा लूंगा ना दो दिन में। कमरे में नहीं हूँ, मुझे जादू से यहाँ बुलाया गया है ना। अरे अजीब जबरदस्ती है आप लोगों की। पार्टनर अभी अभी भारत नगर का ख्याल रखने को मुल्की गया, और अब मैं टेंशन में थोड़े मेडिटेशन कर रहा हूँ, और आप लोग मुझे यहाँ ले आए। कैसा मेडिटेशन है विवान? ये विवान स्टाइल मेडिटेशन है। अब जल्दी बताओ मुझे मेडिटेशन में डिस्टर्ब क्यों किया? विवान, दरअसल चिंटू चंटी के पापा गायब है। दरअसल हम तुमसे पूछना चाहते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जादू से उन्हें कहीं गायब कर दिया हो या कहीं और पहुंचा दिया हो। नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया कसम से। अच्छा मैं चलता हूँ। तुम सही कह रही थी वायु परी, मुझे भी यही लग रहा है कि चिंटू चिंटी के मम्मी पापा शायद खतरे में हो सकते हैं। हमें तुरंत बालवीर के पास जाना चाहिए। बालवीर, क्या हुआ वायु परी? क्या भारत नगर में कोई गड़बड़ है? बालवीर, चिंटू चिंटी के मम्मी पापा काफी देर से गायब हैं। ये देखो वो गाड़ी। एक्सीडेंट नहीं करने का। इसका बात पहले तो से। भागो, भागो। आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं भी उन्हें अपने जादू से ढूंढता हूं। ठीक है आप बालवीर, फिर से कोशिश करो। कहाँ गए ये गिरपड़े भैया जी ने? कहाँ भेज दिया हमें? अरे बचाओ कोई, बचाओ कोई, कोई है यहाँ पे? संभालिए। मेरी शक्ति अब उन दोनों को इस पृथ्वी पर ढूंढ ही नहीं पा रही, इसका मतलब ये तो नहीं कि तिम्नासन ने अपनी पहली चाल चल दी। मिस्टर और मिसेस मिश्रा पृथ्वी पर हो ही नहीं, शायद वो तिम्नासा की कैद में हो। अरे भैरानी, ये तो आपने तो पूरे भारत नगर को कारलोक में बसा लिया, लेकिन कहीं इन्हें कारलोक पसंद आ गया तो ये यहाँ के वासी हो जाए। नहीं, पूछ रहा हूँ ऐसे। कौन फेंक रहा है? बचाओ!
तबा तबा, इन धरती वालों को ऐसे तंग होते देखना, मेरी आत्मा को बड़ा वो मिल रहा है सुकून। तिमला सर, हो सकता है कि बालवीर को ये अंदाजा हो गया हो कि हम लोग भारत नगर के लोगों को यहाँ लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब अब असली खेल शुरू होने वाला है, मजा आएगा। भैरानी, अब हमें क्या करना होगा? अब हमें बालवीर की दुखती रग को और दुखाना है। ये इतना आसान नहीं है त्रिना सिंह। मैं पृथ्वी पर जाकर बालवीर की कोशिशों को नाकाम करती हूँ ताकि तुम अपनी इच्छाओं को पूरी कर सको और हम सब मिलकर भारत नगर के निवासियों को काललोक में लेकर आएंगे। इच्छा तो मेरी हर उस चीज को बर्बाद करने की है जो बालवीर को पसंद है। ये आपकी नहीं, ये तो हम सब की इच्छा है भैरानी। कुछ बालवीर को करारा जवाब तो देना ही होगा। लेकिन बालवीर या वीर लोक के किसी भी निवासी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग भारत नगर के लोगों को अगवा कर रहे हैं। हाँ भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये राज तो वो रहना चाहिए। चिंता मत करो, ये राज बालवीर से राज ही रहेगा जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। वाह गोपू, तेरे मॉम के फोन में कितने अच्छी सेल्फी आती है, और खींचना खींच के उधर से। हाँ, हजारों लाइक्स मिलेंगे हमें इंस्टा बुक पे। हाँ विवान, गोपू सुतली, तुम लोगों ने हमारे मम्मी पापा को कोई देखा है क्या? हाँ देखा है ना, हम तो रोज देखते हैं बड़ी बड़ी डींगे मारते हुए। रूम में चिंटी, इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा और हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हम खुद ढूंढ लेंगे। चलो चल तो खींच ना। हाँ तो खींच। मैं अपनी जादू की मदद से मिश्रा जी और कामिनी जी को नहीं ढूंढ पा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं बालवीर के जिस रास्ते से या दरवाजे से कामिनी जी और मिश्रा जी को गायब कर दिया गया हो वही बुरी शक्तियों से बंद कर दिया गया हो? हाँ ऐसा हो सकता है। अंदाजा तो बिल्कुल सही है इन लोगों का। अब हम क्या करें बालवीर? बालवीर मुझे लगता है इस बार हम तीनों को एक साथ मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए, शायद काम बन जाए। मेरे रहते हुए तुम्हारा काम बन जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। जी आप भी ना पहले से ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा के नहीं रख सकते थे क्या? इतनी सी गलती के लिए इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए ना हम। मुझे लगता है इन लोगों को एक ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया था। लग तो वैसा ही रहा, हम खामखा परेशान हो गया। हाँ लगता तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ गलत होने का आभास हो रहा है। मम्मी! पापा! मम्मी! पापा! मामा! पापा आप दोनों कहाँ हो? मम्मी! चिंटी मुझे तो अब टेंशन हो रही है, और तू तो जानती है ना टेंशन में मुझे और भूख लगने लगती है। कहाँ है दोनों? मम्मी, पापा, आ गए भारत नगर के और दो परिंदे, जाओ इन्हें भी अपने साथ लेके जाओ। अरे चिंटू चिंटी, तुम लोग यहाँ सुनसान रास्ते में कहाँ घूम रहे हो? गिर पड़े अंकल। हाँ अच्छा हुआ आप इधर ही मिल गए, हमारे मम्मी पापा कहीं नहीं मिल रहे, आपने उन्हें कहीं देखा है क्या? हाँ हाँ बेटा रो मत, ये पास ही एक रेस्टोरेंट है वहाँ तुम्हारे मम्मी पापा हैं।
शायद तुम्हारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना पैक करा रहे हो। क्या बात कर रहे हैं अंकल, आप हमें लेके चल सकते हो उस रेस्टोरेंट में? हाँ चलो चलो, मैं तो वहीं जा रहा हूँ। चलो चलो, रो मत रो मत। चलिए किरपड़ी जी, चलिए। हाँ बच्चों, तुम अपने माँ बाप से मिलोगे जरूर, लेकिन किसी रेस्टोरेंट में नहीं। बालवीर, जहाँ से हमने मिश्रा जी और कामिनी जी को बुलाया है वहाँ वापस भेज देते हैं। अब इन्हें यकीन हो गया होगा कि सब कुछ ठीक है। बालवीर और परिया सोचते रह जाएंगे कि किसी पर कोई खतरा नहीं है और इनके नाक के नीचे से बहमार भारत नगर के सारे लोगों को काली लोक लेकर जाएगा। क्या हुआ बालवीर, क्या सोच रहे हो? तिमनासा ने मुझे चेतावनी दी थी, अगर उसी ने मिस्टर एंड मिसेस मुश्ता को गायब किया था तो हम उन्हें अपने जादू की मदद से वापस कैसे ला पाए? आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया पापा जी। होलसेल सब्जी मार्केट में सब्जियां सस्ती भी मिलेंगी और अच्छी क्वालिटी की भी मिल जाएंगी। हाँ वो तब मिलेंगी जब हम 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि 11 बजे तक तो सारी सब्जियां बिक जाएंगी। किधर जा रहे हैं इतनी जल्दबाजी में आप दोनों? अरे आओ आओ, अब तुमने पूछ ही लिया है तो संक्षिप्त में विस्तार पूर्वक तुम्हें समझा ही देता हूँ। अभी नहीं, हमें 11 बजे पहले पहुँचना है ना। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। एक मिनट, आप लोग कहीं नहीं जा सकते। आप लोगों को मेरे साथ मेरी पुलिस जीप में आना होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। अरे बोलो नहीं, सुनो, हमने क्या जुर्म कर दिया किरपड़े जी? जुर्म यह है कि दादाजी ने हमेशा मेरे साथ बेटे जैसा व्यवहार किया है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप दोनों को मेरी गाड़ी में छोड़ू। अरे वाह, तो मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक सब डिटेल में समझा दूंगा। चलो बहू, अब तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो चलो। दादाजी, आप दोनों होलसेल मार्केट नहीं, सीधा कार लोग पहुंचने वाले हो। कौन आ गया? दो बोलू बोलू। चिंटू चिंटी है। ये हम कहां आ गए चिंटी? गिरपड़ अंकल ने तो बोला था वो मेरे रेस्टोरेंट की तरफ ले जा रहे हैं। ये कौन सी जगह है भैया? चिंटी डर मत। चिंटू चिंटी, चिंटी मम्मी पापा, मम्मी हम यहाँ हैं। पापा, कोई तो बचाओ। है गोपू, तेरे फोन में कोई गेम्स नहीं है क्या? छोटली, गेम्स खेलने के लिए मोबाइल नहीं, फ्रेंड्स चाहिए होते हैं। ए गोपू, तू वो वाली फोटो दिखा ना जो हमने आज ली है। हाँ। वाओ गोपू, तू बहुत हैंडसम लग रहा है। हाँ। थैंक यू सुतली, लेकिन ये फोटो इफेक्ट का कमाल है। इसमें गधे के भी फोटो खींचेंगे ना तो घोड़े जैसा दिखेगा। क्या हुआ फरहान, क्या देख रहा है इस फोटो में तू? मैं फोटो नहीं देख रहा हूँ, परछाई देख रहा हूँ। ये देख, इसमें हम सब की परछाई तो है लेकिन गिरपड़े अंकल की नहीं। ये सारे फोटो उसमें गिरपड़े अंकल की एक भी परछाई नहीं है। गोपू, ये तेरे फोन में कौन सा नया इफेक्ट है? ये इफेक्ट नहीं है, ये डिफेक्ट है सुतली। अरे विवान, कहाँ जा रहा है मेरा मोबाइल लेके? फोन के डिफेक्ट को ठीक करने। अरे क्या बात है विवान, तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? ये गोपू का मोबाइल दिखाने। विवान, मेरे पास मोबाइल देखने का समय नहीं है मुझे। अटल प्लीज देख लो ना, ये देखो, इन सारी फोटोज में हम सबकी परछाई तो है लेकिन गिरपड़ अंकल की परछाई नहीं। ये देखो, इसमें भी नहीं है और इसमें भी।
इसका मतलब खुद कानून के रखवाले बुरी शक्तियों के वश में आ चुके हैं। क्या पाटर में दादाजी और मम्मी को फिर बड़े अंकल के साथ जाते हुए दिखा था, कहीं वो दोनों भी तो खतरे में नहीं है? पाटर चिंता मत करो, विवान एक काम करो, अपनी मम्मी को कॉल करो और उन्हें कहो कि वो गिर पड़े जी से दूर हो जाए। लो हेलो हेलो मम्मी, मैं विवान बोल रहा हूँ। विवान तेरे पास फोन कैसे आया? मम्मी वो सब छोड़ो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, अब गिर पड़े अंकल से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाइए प्लीज। क्यों? क्योंकि उन पर किसी ने जादू कर दिया और वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, प्लीज दूर हो जाइए। क्या मजाक कर रहा है विवान? मैं फोन रख रही हूँ। करुणा जी देखिए ये मजाक नहीं है, विवान सच कह रहा है। आप एक काम करिए, जमीन पर देखिए, आपको वहाँ पर अपनी और दादाजी की परछाई दिखाई देगी, लेकिन गिर पड़े जी की परछाई नहीं होगी। हाँ।